यहाँ पे बन चुका है सहरी के लिए चिकन मसाला, साथ ही आज खाने में बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से ही होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो सबको चांद मुबारक, रमज़ान मुबारक। तो इंशाल्लाह कल से रमज़ान शुरू हो चुका है, तो मैं रोज़ तो व्लॉग नहीं बना पाऊँगी, लेकिन हाँ जब भी मैं कोई नई डिश बनाऊँगी तो उस दिन मैं व्लॉग भी बना लूँगी। तो ऐसा चलेगा रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में ऐसा होता है कि टाइम बहुत कम होता है और ज़्यादातर तो इंसान बोलते ना बिल्कुल ईमानदारी से इबादत करता है। इबादत तो ऐसे भी होती है, लेकिन रमज़ान में बिल्कुल ईमानदारी से इबादत होती है। तो बस यही रीज़न है कि मैं रमज़ान में रोज़ तो डेली व्लॉग तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन हाँ जिस दिन नई रेसिपी बनाऊंगी उस दिन ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। और मेरा आज का ये व्लॉग मैं कंटिन्यू करूंगी इंशाल्लाह कल इफ्तारी तक। तो कल इफ्तारी तक मेरा ये व्लॉग कंटिन्यू रहे, मेरा आज का ये व्लॉग कल तक कंटिन्यू रहेगा इंशाल्लाह। कल फर्स्ट रोज़ा है तो देखते हैं कल इफ्तार में क्या बनेगा। और रहा सहरी का सवाल, तो सहरी में मैंने क्या बनाई हूँ वो आपको बता ही चुकी हूँ सहरी के लिए। और मैं सुबह ही पराठे बनाती हूँ सहरी में, कभी कभार हम पाव भी मंगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस पक्का रोज़ पराठे ही चाहिए, कभी कभार हम पाव भी मंगा लेते हैं। तो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, और रेसिपी तो ख़ास करके शेयर करूँगी क्योंकि रमज़ान में हर कोई नई नई रेसिपी ट्राई करता है, सही है? तो फिर मैं आप लोगों को मिलती हूँ अभी बाद में। अभी तो मैं जा रही हूँ अपनी फूफू और चाची से मिलने के लिए, उन्हें चांद मुबारक करने के लिए, सही है? फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, या फिर हो सके तो मैं आप लोगों को सहरी में ही मिलूँगी। तो अभी हो चुका है सहरी का वक्त और ये सहरी के लिए दस्तर लग चुका है। तो बस अभी हम सहरी करने लगे हैं, सहरी में है चिकन मसाला और पराठे। तो मैं हो चुकी हूँ अपनी फजर की नमाज से फारिग अभी, और बस अभी सोने ही जा रही हूँ क्योंकि बहुत नींद आ रही है। तो देखते हैं आज फिर इफ्तार में क्या बनेगा। तो जो भी रहेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया अगर मैं कोई नई रेसिपी बनाऊंगी तो उस दिन मैं व्लॉग भी बनाऊंगी। तो देखते हैं फिर आज इफ्तार में क्या रहेगा, तो फिर आप लोगों को बताती हूँ बाद में। फ़िलहाल तो मैं जा रही हूँ अभी सोने के लिए, ठीक है? तो ये शाम के लिए मैंने चटनी पीसने के लिए सारा सामान निकाल दी हूँ। अब इसमें बस मुझे थोड़ी इमली डालनी है, थोड़ा सा ज़ीरा, आधा चम्मच ज़ीरा, और नमक डाल के इसे मुझे पीस लेना है। ये कम से कम मुझे एक हफ्ता तक चल जाएंगी। उसके अलावा ये कोतमीर, हरा धनिया, ये मैं एक साथ साफ़ करके रख देती हूँ रमज़ान में। रमज़ान में क्या, मैं ऐसे भी साफ़ करके रख देती हूँ जिससे कि अल्लाह ना करे इफ्तार में देर हो जाए तो फटाफट साफ़ करा हुआ धनिया रहता है तो मुझे आसानी पड़ जाती है। और ऐसा साफ़ करके रखने से कम एक हफ्ता तक ये अच्छा रहता है, फ्रेश रहता है। उसके अलावा यहाँ पर ये कड़ी पत्ता भी मैंने इस तरह से डिब्बी में तोड़ कर रखी हूँ, ये भी अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता इस तरह से सारा सामान। ये देखिए हरी मिर्ची भी मैंने इसकी डंडी निकाल के तोड़ के एक डब्बे में रख दी हूँ। तो ये क्या, इसकी डंडी तोड़ के रखने से तो ये है ना ज़्यादा टाइम तक, एक हफ्ता तक तो कम से कम अच्छी ही रहती है, उससे ज़्यादा भी अच्छी रहती है फ्रिज में। क्योंकि क्या, डंडी से हरी मिर्ची में पानी छूटता है जिसकी वजह से मिर्ची नरम पड़ जाती है, ख़राब हो जाती है, लेकिन डंडी तोड़ के रखने से मिर्ची अच्छी रहती है। तो ये सारी तैयारी करते बैठी थी मैं, तो बस अभी मैं चटनी पीस लूँ तो उसके बाद फिर शाम की और तैयारी आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो ये देखिए मैंने चटनी पीस ली हूँ और इस तरह से बोतल में भर दी हूँ। तो ये तकरीबन मुझे एक हफ़्ता चल जाएगी, क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा चटनी सिर्फ शौक से ये खाते, हम लोग इतने शौक से हरी चटनी नहीं खाते। हम लोगों को, मेरे को, मोइन को सॉस पसंद है, और फ़िलहाल मोइन तो इफ्तार में रहेगा नहीं आज। तो ये चटनी चल जाएंगी एक हफ़्ता या उससे थोड़ा कम। तो इस तरह से मैं चटनी बॉटल में भर के रखती हूँ पीस के। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में एक प्याज चॉप करके डाली, उसमें एक हरी मिर्ची कट करके, इस प्याज को मैंने फ्राई करने रखी हूँ। मैं बना रही हूँ इफ्तारी के लिए ये सूखी चने की दाल, जिसे मैंने दोपहर में ही भिगा दी थी। तो अब इफ्तारी की तैयारी चालू हो चुकी है मेरी, तो मैं सूखी चने की दाल बना रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर इस बर्तन में कॉर्न बॉईल हो रहे हैं। इस प्याज को हमें ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, ये देखिए बस इसी तरह से रखना है। तो अब मैं इसमें ये
चने की दाल जो मैंने भिगो कर रखी थी इसे धोकर मैं इसमें अब डालूंगी। ये मेरे घर में पूरा रमज़ान इफ्तारी में बनती है। ये मेरी ससुराली की डिश है, तो मोहन के पापा को ये बहुत पसंद है चने की दाल, तो पूरा रमज़ान इफ्तारी में हमारे घर ये चने की दाल बनती है। अब मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, टेस्ट के हिसाब से मैं इसमें नमक डालूंगी। चने की दाल इसमें अच्छे से मिक्स करूंगी मैं। बहुत ही इजी डिश है ये, बहुत जल्दी बन जाती है। अब मैं इसमें एक गिलास पानी डालूंगी और इसे स्लो फ्लेम पर कवर करके पकने छोड़ दूंगी, तब तक जब तक चने की दाल अच्छे से गल ना जाए, एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, पूरा पानी ना सूख जाए। तो बहुत ही इजी रेसिपी है, मैं बहुत जल्द बन जाती है ये, क्योंकि दाल भीगी भी रहती है तो जल्दी बन जाती है। आज सुल्तान बहुत चिल्ला रहा है, आज बहुत चिल्ला रहा है सुल्तान, ये पता नहीं क्या हो गया इसे आज दोपहर में, लगता है इसने चावल नहीं खाया इसलिए आज ये चिल्ला रहा है, क्योंकि रोजा है हम तो, इस वजह से शायद आज दोपहर में हम खाने नहीं बैठे, तो देखो ये चिल्ला। हालांकि इसे हमने बीन्स वगैरह फ्रूट वगैरह सब डाले हैं, लेकिन फिर भी इसकी चिल्लम चिल्ली बहुत हो रही है, कैमरे के सामने आते ही चुप हो जाता है। तो ये कॉर्न बॉयल हो चुके हैं बहुत अच्छे से, तो मैं अब इसे ठंडे के लिए बाहर निकाल दूँ, तो ये जल्दी ठंडे हो चुके हैं बहुत अच्छे से, सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसे ठंडे के लिए अब मैं बाहर निकाल दूँ। इस कॉर्न को मैं कौन सी डिश में यूज़ करूँगी मैं आप लोगों को बताऊँगी अभी थोड़ी ही देर में। ये देखिए चने की दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है, गैस की फ्लेम को मैं कर दूँ ऑफ। तो ये देखिए ये बहुत ही मज़े की बनती है दाल इफ्तार में, इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो इनको बहुत पसंद है ये दाल और मोइन को भी बहुत पसंद है, पर मेरा मोइन इस साल इफ्तार में रहेगा नहीं, वो उधर ही मॉल में खोलेगा इफ्तार, रोज़ा उधर मॉल में ही खोलेगा इफ्तार बोल रही हूँ, तो वो तो रहेगा नहीं, लेकिन जिस दिन वो रहेगा उस दिन मैं कुछ नया बनाऊँगी इंशाल्लाह, या फिर कुछ अच्छा अच्छा तो इफ्तार में बनता ही है। तो चलो अब दूसरी चीज़ बनाने की तैयारी करती हूँ। इफ्तार में बना रही हूँ ब्रेड चिकन पार्सल, जिसके लिए मैंने 200 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ। इसे मैंने आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर नमक डालकर बॉईल कर ली हूँ और इसे इस तरह से श्रेड कर ली हूँ मैंने। उसके अलावा ये 4 चम्मच मैंने बॉईल करके कॉर्न ली हूँ। उसके अलावा ये 2 चम्मच हरा धनिया मैंने बारीक चॉप कर ली हूँ। 2 हरी मिर्च बारीक चॉप कर ली हूँ। और उसके अलावा ये 1 प्याज इसे इस तरह से मैंने चॉप कर ली हूँ। तो इस चिकन में मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करूँगी अभी। तो सबसे पहले मैं इसमें प्याज डालूँगी, उसके बाद मैं इसमें ये कॉर्न डालूँगी, उसके बाद में मैं इसमें ये हरी मिर्ची चॉप करी हुई डालूँगी, उसके बाद में मैं इसमें ये बारीक कटा हरा धनिया डालूँगी। इन सारी चीज़ों के अलावा मैं इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें आधा चम्मच के करीब ये चिली फ्लेक डालूँगी। उसके बाद मैंने ये 6 चम्मच मायोनीज ली हूँ, तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये नमक डालूंगी, चिकन बॉईल करने के टाइम भी नमक डाली हूँ मैंने, और मायोनीज में भी थोड़ा नमक होता है, तो नमक हमें बहुत एहतियात से डालना है। पहले इतने मायोनीज में मैं ये सारी चीज़ें मिक्स कर लूँगी, अगर कम पड़े तो मैं और लूँगी। तो मैंने इसमें 2 चम्मच और मायोनीज ऐड करी हूँ, क्योंकि मुझे मायोनीज कम लग रहा था। तो ये देखिए अब ये परफेक्ट हो गया है, तो ये फीलिंग तैयार हो चुकी है ब्रेड चिकन पार्सल की। यहाँ पर मैंने 100 ग्राम दही फेटा, दही को अच्छी तरह से फेट ली हूँ, और इसमें मैंने 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाली हूँ, और इन दोनों चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना दूँगी। यहाँ पर ये ब्रेड की स्लाइस ली हूँ मैंने, इस तरह से मैं ये फीलिंग रखते जाऊँगी, एकदम भरना नहीं है हमें, ब्रेड के हिसाब से रखना है। ये देखिए ब्रेड के एक एक हिस्से पे मैंने इस तरह से फीलिंग रख दी हूँ, और इसका दूसरा हिस्सा मैं इस पे रख के
ऐसा थोड़ा प्रेस कर दूंगी ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो ये देखिए मैंने ब्रेड रेडी कर ली हूँ फिलिंग भर के, और यहाँ पर बैटर भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर इस प्लेट में मैंने ब्रेड क्रम्स ली हूँ। अभी इस ब्रेड को हमें इसमें डिप करना है, ज़्यादा देर भिगाना नहीं है, बस इस तरह से, और इस ब्रेड क्रम्स की प्लेट में रखना है हमें। हमें ब्रेड क्रम्स से इसे अच्छे से कोट करना है। यहाँ पर ये ऑयल भी गर्म हो चुका है, तो अब मैं इसे ये ऑयल में फ्राई करने छोड़ दूंगी। हमें मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई करना है, इस तरह से इसे मीडियम फ्लेम पे हमें फ्राई करना है, बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हुए तक। ये देखिए मैंने इसके साइड भी चेंज कर दी हूँ, ये कितना अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। ये मैंने इसमें दूसरा ब्रेड भी डाल दी हूँ। हमें ये पहले से बना के नहीं रखना है, फौरन इसे फ्राई करना है। तो ये देखिए जो मैंने पहले ब्रेड डाली थी वो बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, इतना अच्छा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब मैं इसे बाहर निकाल दूँ कढ़ाई से, मैं इसे टिश्यू पेपर पे रख दूँ ताकि एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, एकदम कुरकुरे, आप आवाज़ देख सकते हो इसकी। मैं भी आपको ये कट करके बताऊँगी, आप लोगों को ये कट करके बताती हूँ। तो ये देखिए कितना टेस्टी है, ये दिखने में इतना टेस्टी है तो ये खाने में कितना टेस्टी होगा। तो आप इस रमज़ान इफ्तार में ये ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी रेसिपी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, आपके घर में अगर बच्चे हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे इस रेसिपी को खाकर। ये हो चुकी है पूरी इफ्तारी मेरी रेडी, फ्रूट की थाली वहाँ पे कलिंगर और साथ आलू की भजिया भी बनाई हूँ मैंने। ये रहा ब्रेड चिकन पार्सल, और यहाँ पर वो चने की दाल जो मैंने बनाई थी, बस यही रही हमारी अफ्तारी। तो फिर मैं आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।